सरदार सुखबीर सिंह बादल इन्हां बंदी सिंघां नूं अतवादी कहिंदे रहे। इन्हां दे छुट्टण तों पंजाब दा माहौल खराब होण दा खदशा ज़ाहर करदे रहे। इह कल तक ते इह गल्लां कहिंदे रहे भी ये जेडे ने ये अतवादी ने। मैं अज सवेरे यूट्यूब तो एक पुरानी कढ़ के सरदार सुखबीर सिंह बादल की सुन रहा सी। वो कह रहे सी ये बंदे कौम नूं की सेध दे सकदे ने, इन्हां ने कतल कीते ने, इन्हां ने इदां कीता है। इन जेडे जेडे सिंह बंदी जदों तुसीं राज सत्ता च बैठे सी, जदों तुसीं उप मुख्यमंत्री सी, जदों तुसीं पंजाब दे मालक सी, उदों तुहानूं ओह अतवादी लगदे सी। उदों उन्हां दे बाहर आउण नाल पंजाब दा माहौल खराब हुंदा सी। अज तुहाडे कोल कुर्सी चली गई, अज पंजाब दे लोकां ने तुहानूं दरकिनार कर दिता, अज तुहानूं सिख कौम ने बिल्कुल हछगे ते सुट दिता, ना प्रवान कर दिता, जीरो कर दिता। अज तुहानूं उही बंदी सिंह उही अतवादी जिहड़े ने उही पंजाब दे माहौल नूं अग लाउण वाले जिहड़े ने ओह बंदी सिंह किदां लगण लग पए। तुसीं उन्हां दा संघर्ष किवें लड़न लग पे? हुण किहड़े मूँह नाल सरदार सुखबीर सिंह बादल ये गल कहिंदा है? ये तो फिर वो गल हो गई जी समा पैण ते ये तो उदां हो गया भी छोटे साहिबजादियां दे हक विच सूबा सरहंद भी नारे मारन लग पिया, गंगू भी नारे मारन लग पिया ते सुच्चा आनंद भी कहण लग पिया भी सानूं छोटे साहिबजादियां दा इंसाफ दिता जावे। ये तो वो गल हो गई। मन लो इदां दा माहौल बनदा बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां नूं अपने खालसाई तरीके दे नाल सजावां ना दिंदा ते की गल कौम आउण वाले समय च गंगू दे नाल ते सूबे सरहंद नाल जाके खड़ जांदी भी ये बंदे बहुत वधिया काम कर रहे आ जी, इन्हां ने छोटे साहिबजादियां दे हक च आवाज़ बुलंद कीती। कि असीं उन्हां नाल खड़ सकदे? जेडे बंदे खुद राज सत्ता 20-25 साल भोगदे आ, एक वारी भी बंदी सिंघां दा नां नहीं लिया। देश आज़ाद हुंदा ते सानू सिखां नू पहला तोहफा यह दिता जाता भी ये जराइम पेशा कौम आ, भी ये लुट्टां खोहां करन वाले लोग आ, इन्हां नू समाज विच नहीं रहना हुंदा। और उस तों बाद 1955 दे विच श्री दरबार साहब ते फौज चढ़ के आउंदी है। उस तों बाद फिर लगातार हिंदुस्तान दा जिहड़ा सरकारी तंत्र आ वो सिखां नू दबाउण वास्ते लगा रहा, सिखां नू कुचलण वास्ते लगा रहा ते अखीर जून 1984 दे विच हिंदुस्तान की सरकार ने वो ताकत वो पावर साडे ते वरत के सानू मलियामेट करन दा यतन किया। जिहड़ी पावर जिहड़ी ताकत किसी दूसरे विरोधी देश दे नाल जदों जंग लगदी है तो उहदे नाल वरती जाती है। इत्थों तक साडा जिहड़ा सब तो सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहब आ, उन्नू बंबां दे नाल टैंकां दे नाल फौजां चढ़ा के ढै ढेरी कीता और हज़ारां नहीं लखां ही निर्दोष जिहड़ियां संगतां उत्थे पहुंचियां सन उन्हां नूं कतल कीता। निक्के निक्के बच्चियां नूं दरबार साहब दीयां परिक्रमां दे विच फौजियां ने बाहां तो पकड़ के लत्तां तो पकड़ के तां नूं छुट्टिया। दूसरे फौजी ने उन्हां छोटे छोटे बच्चियां ते ब्रश्ट मारे, जिहदा रोस साडी कौम दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते साडी नौजवानी दे अंदर आया। आ मेरे कोल सारा उन्हां बंदी सिंघां दा वेरवा पिया। प्रोफैसर दविंद्रपाल सिंह जी भुल्लर जां भाई जगतार सिंह जी हवारा पढ़े लिखे ने, भाई राजोवाणा जी, भाई दलावर सिंह जिन्हां ने शहादत दा जाम पीता, पुलिस दे विच नौकरी करदे सन हन। पर फिर भी जदों उन्होंने अपनी अजमत ते एडा तगड़ा हमला देखिया ये ना बर्दाश्त करन योग सी, जिस करके साडे नौजवानों के हत्थां दे विच हथियार आए ते उन्होंने इस जो साडे नाल धक्का होया उहदे वरखिलाफ एक जंग विढी है। और उस जंग दे विच उहदे तों बाद मुड़ के हिंदू सरकार दे तंत्र ने बेअंते बुच्चड़ वर्गे बंदे नूं मुख्यमंत्री ला के KPS गिल नूं DGP ला के साडे बच्चों का साडे नौजवानों का साडियां धीआं भैणां दा पंजाब दी धरती ते शिकार खेडिया। किस तरीके नाल खेडिया सानूं सारा पता है। ते जे भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा जी ने वो सारा बायोडाटा इकट्ठा किया ते इन्हां जालम लोगों ने DGP गिल वर्गे लोगों ने इन्हां ने भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी नूं भी शहीद कर दिता, उन्हां नूं भी कतल कर दिता। मैं बेनती करां भाई दलावर सिंह, भाई राजोआणा जी, भाई हवारा जी है जिन्ने भी बंदी सिंह ने जिन्होंने मुख्य मंत्री बेअंत सिंह नूं सोधिया इन्हां ने तां सोधिया, इन्हां लोकां ने साडी कतलोगारत कीती आ पंजाब दे विच, इन्हां ने कतल कीते ने साडे। इस करके मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहुंदा, राम जी ने रावण नूं क्यों मारिया? राम जी ने रावण नूं इस करके मारिया क्योंकि रावण ने सीता जी का अपहरण किया। ਉਹਦੇ ਰੋਸ वजों लंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। मैं ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਰੋਸ वजों ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ